अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू शम्मा कुकिंग चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बीन और आलू मसाले में सब्ज़ी। चलिए देख लेते हैं हम इसमें क्या क्या चाहिए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना बिना देर किए हुए। यहाँ हमने अपने चूल्हे को ऑन कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई रख देंगे, अब हम इसमें ऑयल डाल देंगे, ऑयल को गर्म होने देंगे। जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे कटी हुई प्याज। यहाँ हमारा तेल गरम हो चुका है, अब हम डाल देंगे कटी हुई प्याज, दो तेज पत्ता। अब इसको अच्छे से हम ब्राउन कर लेंगे। अपने चूल्हे को तेज़ रखेंगे कि हमारा जो प्याज है जल्दी जल्दी भुन जाए। यहाँ हमारा प्याज थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो रहा है, अच्छे से मिला लीजिए। यहाँ हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे मसाला अपना। मसाले में हमने लिया था अदरक, लहसुन, जीरा, गोल्ड मिर्च, दो इलायची, लौंग। हमने ग्राइंडर जार में इसको पीस लिया था अच्छे से। अब हम इसमें डाल देंगे एक टेबलस्पून हल्दी, वन टेबलस्पून चिली पाउडर। अब इसको अच्छे से आप मिला लीजिए, मसाले को भून लीजिए अच्छी तरीके से। जब हमारे मसाले में थोड़ा थोड़ा ऑयल छोड़ देगा तो आप समझ जाइएगा कि हमारा मसाला भून चुका है। अब यहाँ हम डाल देंगे वन टेबल स्पून चाट मसाला। अब हम मसाले को भून लेंगे। जब हमारा अच्छे से मसाला भून जाएगा तो इसमें हम नेक्स्ट चीज़ डालेंगे। हमें अपने फ्लेम को थोड़ा हाई रखना है, बीच बीच में लो करना है। यह हमारा मसाला भुन चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च 3। आपको जिस हिसाब से तीखा पसंद है आप उस हिसाब से तीखा करिए। हमने यहाँ 3 ही मिर्ची डाली है। अब हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप पानी। अब हम इसमें डाल देंगे चॉप की हुई बीन, जो हमारी बीन थी। अब इसको हम अपने मसाले में डाल देंगे। अब आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसमें हम आलू डाल देंगे। आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। ये बीन खाने में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, आप इसे घर में ज़रूर बनाएं। यह हमारा मसाला बीन में मिक्स हो चुका है अच्छी तरीके से, आप देख सकते हैं। अच्छे से मिला लीजिए इसको। अपने गैस के फ्लेम को थोड़ा स्लो कर देंगे। हमने इसमें कोई अभी पानी नहीं डाला है, हमने जो पहले 1/2 कप पानी डाला था वही है, इसमें भुन चुका है पानी, हमारा सब सोख लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे अपनी मीडियम साइज कटी हुई आलू। आलू हमने इस साइज से कट की है। अब इसको आप अच्छी तरीके से मिला लीजिए। ये आलू और बीन्स का जो टेक्सचर है ये खाने में बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। ये आप बहुत जल्द ही बन जाता है। हमने इसे मसाले में बनाया है, आप अगर चाहें तो सिंपल भी बना सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे चॉप की हुई टमाटर। इसको हम 5 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। भूनने के बाद तब इसमें हम पानी डालेंगे। अभी हम इसमें कोई पानी नहीं डालेंगे, टमाटर थोड़ा थोड़ा पानी रिलीज करता है। आप इसको अच्छे तरीके से मिला लीजिए। अब हम इसमें डाल देंगे पानी 1/2 कप। आप जिस हिसाब से पानी डालना चाहे उस हिसाब से डालें। हम यहाँ सूखा सूखा भुना भुना बना, जिस हिसाब से पानी डालना चाहे तो उस हिसाब से डालिए। हम यहाँ सूखा सूखा बनाएंगे, भुना भुना, हमने ज़्यादा पानी इसमें नहीं डाला है। ये दम अभी पानी अब्जॉर्ब कर लेगा हमारी सब्ज़ी में। आपको ग्रेवी खाना है तो आप ग्रेवी बनाएं। यहाँ हमने यहाँ भुना भुना बनाना है। अब हम 15 मिनट के लिए इसको कवर करके रख देंगे। चलिए मिलते हैं 15 मिनट बाद। 15 मिनट हो चुके हैं, हमारा यहाँ आलू थोड़ा थोड़ा गल चुका है, आप देख सकते हैं। हमारा थोड़ा थोड़ा पानी भी सोख लिया है। आप इसको 5-5 मिनट पे देख चलाते रहिए।
गैस की फ्लेम को थोड़ा हाई कर देंगे, हाई फ्लेम में इसको पकाएंगे। अब इसको फिर कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब 10 मिनट हो चुका है, आप देख सकते हैं हमारी यहाँ आलू गल चुकी है, टमाटर जो था वो हमारा आलू और बीन में मिक्स हो चुका है, हमारा जो पानी था वहाँ से अब्सॉर्ब हो चुका है, यहाँ हमारी सब्जी बन के रेडी है। अब इसको अच्छी तरीके से भून लीजिए। अगर आप ग्रेवी खाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं। यह हमारा सब्जी बन के रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।